हमेशा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम स्टाइलिश हैंडबैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टाइलिश हैंडबैग स्टिच किया है। देखिए इसको हम इस साइड से ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है और वन हमारी साइड इनर पॉकेट है। इस साइड की देखिए अपना कुछ भी सेट करते हुए आप रख सकते हैं। इसको लॉक करेंगे और इस साइड भी अपने सामान को इसमें सेट करते हुए जिप्स को लॉक कर लीजिए। और ये बैग देखिए साइड से ऐसा है, वन पीस से ये बैग लेटी हुआ है तो इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैग है। और इस बैग को हमने वुलन क्लोथ से स्टिच किया है। वुलन पैंट का फैब्रिक जो होता है उससे हमने प्लेन पीस से इस बैग को स्टिच किया है। और इस बैग को आप देखिए इस हैंडल से शोल्डर से कैरी कर सकती हैं और इसको आप एडजस्ट करते हुए क्रॉस करके भी कैरी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और इस बैग को स्टिच करना बहुत ही ईजी है। आप वीडियो को फॉलो करते हुए सेम इसी तरह से इस बैग को आप स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा स्टाइलिश हैंड बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये स्टाइलिश हैंड बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। स्टाइलिश हैंडबैग बनाने के लिए हमने देखिए 14x20 का 1 मेन फैब्रिक लिया है। आज हम प्लेन पीस से हैंडबैग स्टिच करेंगे और ये हमने वूलन पैंट का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है। ये देखिए, अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक नहीं है तो आप उल्टेड पीस से भी इस हैंडबैग को स्टिच कर सकती हैं। तो हमें 14x20 का 1 मेन फैब्रिक लेना है और 1 हमें ये प्लेन पीस लेना है 14x20 का। 8.5x12.5 का 1 हमें ये प्लेन पीस लेना है। 8 इंच की हमें 1 जिप लेनी है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है। और ये हमने 12 इंच की 1 जिप ली है और इसमें भी हमें सिंगल रनर लेना है। 20 इंच की 1 बेल्ट ली है। 55 इंच की 1 हमने ये बेल्ट ली है। 2 हमें देखिए डी रिंग्स लेने हैं और 1 हमें ये एडजस्टर लेना है। सबसे पहले हम ये दोनों प्लेन पीसेस लेंगे और ये हम 1 इंच की जिप लेंगे। इसमें हमें इनर पॉकेट को स्टिच करना है इस प्लेन पीस में। तो ये जो प्लेन पीस है इसको हम 8.5 की साइड में देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब देखिए हम यहाँ पर 3.5 इंच इस साइड से और इस साइड से यानी हम 7 इंच पे सीधे मार्क कर लेंगे और हाफ से हाफ इंच देखिए इस साइड से मार्क कर लेंगे और ऐसी दूसरी साइड से भी मार्क करते हुए बॉक्स बना लेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है। और ये जो प्लेन पीस है ये प्लेन पीस का राइट साइड है और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेंटर का मार्क कर लेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। और ये जो प्लेन पीस है इसको हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए और 2.5 इंच पे जो मार्क किया है उस पॉइंट से सेट करते हुए इसमें हम पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए हम बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है और अब देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे और जो हमने सेंटर में मार्क किया था 7 इंच पे मार्क वाली लाइन पे हम कट लगा लेंगे। और अब देखिए हम सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स पे वी शेप में कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए कट कर लिया है और अब हम इस प्लेन पीस को बैक साइड में पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पिनअप कर लिया है और अब ये हम जिप लेंगे और जिप को हम इस पे देखिए ऐसे रखेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। जिप को देखिए हम सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस में हम अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए प्लेन पीस में अटैच कर दिया है और अब देखिए हम बैक साइड में आएंगे और पिन को ओपन कर लेंगे और एक साइड से थोड़ी सी एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर लेंगे। और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे टर्न करते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और इसको हम ऐसे स्टिच करके प्लेन पीस को हम लॉक कर देंगे।
प्लेट पीस को हमने देखिए स्टिच करके लॉक कर दिया है और वन हमारी ये इनर पॉकेट स्टिच हो गई है प्लेट पीस में। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम मेन फैब्रिक वाला पार्ट लेंगे और ये हम 20 इंच की बेल्ट लेंगे। पहले हम ये जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करके 14 की साइड में देखिए फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और ये जो बेल्ट है इसको हम मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में देखिए ऐसे रखेंगे। ऐसे रखते हुए हम दोनों साइडों से स्टिच करके प्लेन पीस में हम इसको अटैच कर देंगे बेल्ट को। बेल्ट को हमने देखिए इसने स्टिच कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स पे हमें मार्क करना है। देखिए इस साइड से हमें 1 इंच पे मार्क करना है और ऐसे इस साइड भी 1 इंच पे मार्क करते हुए बॉक्स बना लेंगे। देखिए ऐसे मार्क कर लिया है और ऐसे ही हम चारों कॉर्नर्स पे मार्क कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इस फैब्रिक में हमने देखिए चारों कॉर्नर्स पे मार्क किया और मार्क करके हमने कट कर लिया है और ऐसे ही हमने देखिए इस प्लेन पीस को भी मार्क करके चारों कॉर्नर से कट कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम जिप लेंगे और जिप को हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड देखिए एक साइड में होगा। जिप को हम इस फैब्रिक में देखिए ऐसे रखते हुए ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम साथ में लेते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसे इसको हम देखिए ओपन कर लेंगे। एक साइड से हम देखिए जिप के एक पार्ट को इस साइड से अटैच करेंगे और ऐसे ही दूसरे साइड से इस फैब्रिक को हम ऐसे लेते हुए दोनों पार्ट्स को जिप के साथ में हम दोनों साइडों से अटैच कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए जिप और प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया मेन फैब्रिक में और अब हम इस साइड से इसको पलटकर राइट साइड कर लेंगे। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और इस साइड हम स्टिच लाइन पे प्रेस करते हुए इस साइड से दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और ऐसे इस साइड भी दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और अब देखिए दोनों जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे बराबर में सेट करेंगे और इस साइड से अंदर की साइड से हम इसमें रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और रनर को हम देखिए ऐसे करते हुए जिप को लॉक कर देंगे। फिर से हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 55 इंच की बेल्ट लेंगे और डी रिंग्स लेंगे। इस बेल्ट से हम 5 इंच पे देखिए मार्क करके इसको हम कट करेंगे। एक साइड से 5 इंच पे डाउन करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। और ये जो बेल्ट हमने कट की है इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे और डी रिंग में हम देखिए बेल्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये जो जिप है जिप वाले पार्ट के ऊपर हम देखिए इसको ऐसे सेंटर में रखते हुए स्टिच करके इसमें हम इस साइड से अटैच कर देंगे डी रिंग के साथ में बेल्ट को और ऐसी दूसरी बेल्ट को डी रिंग के साथ में हम दूसरी साइड पे यहाँ पर देखिए अटैच कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए डी रिंग के साथ में बेल्ट को अटैच कर दिया है और अब देखिए ये जो प्लेन पीस है इसको हम देखिए ऐसे टर्न कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए सेट कर लिया है। देखिए प्लेन पीस एक साइड में होगा और मेन फैब्रिक वाला पार्ट एक साइड में होगा और ये दोनों कॉर्नर्स को देखिए ऐसे मिलाते हुए इस साइड से हम स्टिच कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी स्टिच कर लेंगे। और प्लेन पीस में हम एक साइड से यहाँ पर देखिए 5 इंच का गैप छोड़ते हुए देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और ऐसे हम इसको थोड़ा स्टिच करके अटैच कर देंगे। साइड से हमने देखिए 5 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया प्लेन पीस को और ऐसे हमने इस साइड से पूरा स्टिच करके अटैच कर दिया है और मेन फैब्रिक की साइड में दोनों साइड से हमने अटैच कर दिया दोनों पार्ट्स को।
और अब देखिए ये जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे हम देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और ऐसे ही साइड भी 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हम चारों कॉर्नर्स पे मार्क कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स पे हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम ओपन कर लेंगे। कॉर्नर्स को हमें स्टिच करना है, तो ये जो स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन को हम देखिए सेंटर में रखेंगे और इसको ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी ऐसे हम मार्क कर लेंगे और स्टिच करके हम चारों कॉर्नर्स को ऐसे हम सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर्स को ओपन करते हुए हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने देखिए कट कर लिया है और अब देखिए ये जो पार्ट है इसको हम देखिए ऐसे कट कर लेंगे। इस कट को हम ऐसे सेट करेंगे, प्लेन पीस वाले पार्ट को भी ऐसे देखिए ओपन करते हुए दोनों पार्ट्स को साथ में लेते हुए हम ऐसे हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। ऐसे सेट करते हुए अटैच करेंगे और ऐसे इस साइड भी प्लेन पीस और मेन फैब्रिक को साथ में लेते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए प्लेन पीस और मेन फैब्रिक को देखिए ओपन करते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड भी स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हमने अटैच कर दिया है और अब देखिए जिस साइड से ओपन वाला पार्ट है उस साइड से हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। इसको पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और प्लेन पीस है इसको देखिए हम ऐसे बाहर की साइड में करेंगे और ये जो ओपन वाला पार्ट है प्लेन पीस का इसको हम दोनों साइडों से देखिए प्लेन पीस को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच करके हम प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए इसको हम पॉकेट के अंदर सेट कर लेंगे। पार्ट देखिए अंदर से ऐसे सेट हो जाएगा और जिप को हम देखिए ऐसे लॉक कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम बेल्ट लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। बेल्ट में हम देखिए एडजस्टर को ऐसे सेट करेंगे और थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। इसमें बेल्ट को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए इसका जो दूसरा साइड वाला पार्ट है उसको हम स्टीरिंग में अंदर की साइड में देखिए ऐसे करते हुए दूसरी साइड से बाहर की साइड में करेंगे और एडजस्टर में बेल्ट को सेट कर लेंगे। एक साइड से बेल्ट देखिए एडजस्टर के साथ में सेट हो गई है और दूसरी टीरिंग में हम इस बेल्ट को देखिए ऐसे डालते हुए दूसरी साइड से और इस साइड भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ऐसे टर्न करते हुए इसको हम इस साइड से भी स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हमारा ये स्टाइलिश हैंडबैग बन के रेडी हो गया है। देखिए इसको हम ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और पर हमारी साइड से इनर पॉकेट है। इसमें अपने सामान को देखिए अच्छे से सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। जी बैग देखिए वन पीस से रेडी हुआ है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बैग और बहुत ही स्टाइलिश भी लगता है और इस बैग को देखिए स्टिच करना बहुत ईजी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास ऐसा थिक फैब्रिक नहीं है तो आप कोटेड पीस से भी इस बैग को स्टिच कर सकती हैं। इस बैग को आप देखिए शोल्डर से हैंग कर सकती हैं और इसको आप क्रॉस करके भी वो कैरी कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा स्टाइलिश हैंडबैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।